असलाकुम एंड वेलकम बैक डियर लर्नर्स वी आर बैक विद अनदर अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स ऑफ आंट्रप्रशिप आर कंसर्न हमने बात की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्पेसिफिकली अब हम बात करेंगे फोरकास्टिंग की तरफ थोड़ा जाएंगे जैसा कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने देखा जो के बेस्ड होती हैं ऑन एक्चुअल फिगर्स आपको याद होगा कि साल के आखिर पे वो बनाई जाती हैं एक्चुअल फिगर्स उनमें होती हैं तो ये तो वो स्टेटमेंट थी जो आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रही हैं आपकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं अब हम थोड़ा सा आएंगे फोरकास्टिंग की तरफ अब हम देखेंगे कि फ्यूचर प्रोजेक्शंस कैसे की जाती हैं जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती तो प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट दरअसल यही है कि ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो आपकी पास्ट परफॉर्मेंस या पोजीशन तो नहीं दिखा रही होती बट दे आर शोइंग द फ्यूचर प्रोजेक्शंस हिस्टोरिकल इनकम स्टेटमेंट में क्या था एक्चुअल फिगर्स साल के आखिर पे बनाई जा रही है आपको दिखा रही है सेल्स इतनी है आपका जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स इतनी है ग्रॉस प्रॉफिट ये है नेट प्रॉफिट ये अब जब आप प्रोफॉर्मा इनकम स्टेट पे आएंगे तो वो आपको दरअसल बता रहा होगा कि आने वाले सालों में आप कैसे प्रोजेक्ट करते हैं कि कितनी सेल्स होंगी क्या उनकी कॉस्ट होगी और फिर एक्सपेक्टेड या प्रोजेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या हो यहाँ पर यह वजाहत नहायत ज़रूरी है कि ये जो हमारा टॉपिक है ये इंटरलिंक्ड है हमारे पिछले टॉपिक से जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो यहाँ मैं ये जरूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने अभी तक वो टॉपिक नहीं देखा तो आप पहले उन टॉपिक्स को देखिए और फिर आप इस टॉपिक को स्टार्ट कीजिए क्योंकि इस टॉपिक में हम स्टेटमेंट्स की आइटम्स पर उतनी बात नहीं करेंगे क्योंकि हम उन पर डिटेल्ड गुफ्तु कर चुके हैं इस टॉपिक में हम स्पेसिफिकली प्रोफॉर्मा स्टेटमेंट के हवाले से सिर्फ ये बात करेंगे कि प्रोजेक्शंस कैसे की जाती हैं तरीकाकार वही है फॉर्मेट वही है सो लेट्स आर लेट्स स्टार्ट आर डिस्कशन रिगार्डिंग प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टूडेंट्स कौन सी होती हैं जो कि फ्यूचर प्रोजेक्शन आपको दिखाती हैं दे लुक फॉरवर्ड रादर देन ट्रैक द पास्ट वो ट्रैक द पास्ट वाली स्टेटमेंट्स वो थी जो हम पढ़ के आए हैं हिस्टोरिकल प्रिपरेशन ऑफ प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प अफॉर्म री थिंक इट स्ट्रैटेजीज एंड मेक एडजस्टमेंट्स इफ नेसेरी मतलब ये एक प्लानिंग टूल भी है अब ये प्लानिंग टूल कैसे है तो इसको भी बड़े सादा से अल्फाज में यूं समझ लीजिए कि देखें आपने प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट बनाई अगले साल अब सपोज अगर उस प्रोजेक्टेड फिगर्स में आपने देखा कि आपका डिजायर्ड नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा या दूसरी सूरत में लॉस रिपोर्ट हो रहा है प्रोजेक्टेड लॉस ये याद रखिएगा तो आप अब क्या कर सकते हैं आप यू कैन रीथिंक योर स्ट्रेटजीज आप अपने उन नंबर्स को देख के उनको एडजस्ट करेंगे कि हमें सेल्स कितनी बढ़ाने की जरूरत है सी? हमें कॉस्ट कैसे कंट्रोल करनी है? और जो हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं सेलिंग एक्सपेंसिव एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव उनको कैसे कम करना है या कंट्रोल करना यू सी इन दिस वे ये आपका एक प्लानिंग टूल भी कि आप इसको प्रोजेक्ट करके अपने जो है स्ट्रेटजीज अपने उन नंबर्स को एडजस्ट कर सकते हैं और आप इस बात पर अपना यू नो फोकस शिफ्ट कर सकते हैं कि हमें किस आइटम को कितना बढ़ाने की या किस आइटम को कितना कम करने की जरूरत। सो so, दूसरी बात तो हो गई ये उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ परफॉर्मा फाइनेंशियल इज ऑल्सो नेसेसरी इफ अ फॉर्म इज सीकिंग फंडिंग और फाइनेंसिंग सी जब आप अपने फॉर्म के लिए कोई आपको फंडिंग चाहिए फाइनेंसिंग चाहिए तो आप अपनी प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स को भी दिखा सकते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी इंटेंट फॉर कि ये हमारा अचीव करने का प्लान है और हम यहाँ पर पहुंचेंगे सो दिस कैन हैव अ गुड इंप्रेशन ऑन द फाइनेंसिंग बॉडी सो उसी तरह तीन स्टेटमेंट्स हैं जैसे हमने हिस्टोरिकल में देखा था प्रोफारमा इनकम स्टेटमेंट की बात करेंगे जो कि क्या शो करती है वो आपको प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स यहाँ पे ये यह वर्ड जो बार बार हम प्रोजेक्टेड यूज कर रहे हैं इसका क्या मतलब है कि दे आर नॉट एक्चुअल फिगर्स बट दे आर गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर प्रोजेक्टेड रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ अ फॉर्म ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इसी तरह प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट है यकीन उसी तरह हिस्टोरिकल में आपको वो स्नैपशॉट दिखाती है कंपनी के एसेट्स लाइबिलिटीज और एक्विटी की तो प्रोफार्मा बैलेंस शीट क्या आपको दिखा रही है वो आपको प्रोजेक्टेड स्नैपशॉट दिखा रही है एंड देन प्रोजेक्टेड और प्रोफार्मा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो आपको कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज दिखा रही है प्रोजेक्टेड अब हम देखते हैं फॉर्मेट पर कि किस तरह ये डिजाइन की जाती है प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट आप देख सकते हैं इसमें अगर आप गौर करेंगे तो आइटम्स वही हैं जिन पर हम बात कर चुके हैं हिस्टोरिकल स्टेटमेंट्स में ऑर्डर भी वही है आइटम्स भी वही हैं लेकिन फ़र्क कहाँ पर है अगर आप आगे कॉलम्स में देखें तो आपको फ़र्क ये नज़र आएगा कि हिस्टोरिकल में हमारे पास क्या था एक रीसेंट ईयर था जो कि हमारे इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 2018 है और उससे पिछले दो सालों का भी डाटा था हिस्टोरिकल में सेवनटीन का भी सिक्सटीन का लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास एक रिसेंट ईयर है 2018 और उससे आगे फिर प्रोजेक्टेड हमने डाटा निकाला है दो सालों का 2019 एंड 2020 अब स्टूडेंट इसमें जो पहली चीज है नेट सेल्स ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है इनकम स्टेटमेंट ये आपको प्रोजेक्ट करनी होती है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है कि कंपेटिटर्स कैसे हैं प्रोडक्ट कोई नई लॉन्च कर रहे हैं तो इस तरह इसमें थोड़ा सा आपकी जो है वो एफर्ट रिक्वायर होगी जैसे हमने अपने इस एग्जाम्पल में क्या किया है हमने 2000 से 19 के लिए आ, हमने 40 परसेंट सेल्स इंक्रीज कर ली तो हमारी जो सेल्स हैं हमने प्रोजेक्ट किया कि बेस्ड ऑन सर्टन फैक्टर्स कि हमारी जो सेल्स हैं वो 40 परसेंट इनक्रीज हो जाएगी और फिर हमने उसी हिसाब से जिस तरह अब ये आगे जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये कैसे निकालनी है इसमें हम जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो याद रखिएगा कि हम परसेंट ऑफ सेल्स मेथड ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि हम देखते हैं 2018 में कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो सेल्स का कितने परसेंट थी से ये कोई फोर्टी फाइव परसेंट के राउंड अबाउट थी तो उसी तरह हमने नाइनटीन में भी जो हमने प्रोजेक्टेड सेल्स हैं उसका फोर्टी फाइव परसेंट लेके अराउंड फोर्टी फाइव परसेंट लेके हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल और जब हमें हमारे पास ये दो फिगर्स आई तो यकीन हमारे पास प्रोफॉर्मा या प्रोजेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट भी आ जाएगा तो इस तरह हम मूव करेंगे और आगे बाकी भी जो हैं कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो शायद हमें वैसे ही कैलकुलेटेड मिलेंगे जैसे डेप्रिसिएशन है ये आपको वैसे ही पता होता है कि आने वाले वक्त में कितना और आपका जो भी आप तरीका का डेप्रिसिएशन का यूज़ कर रहे हैं तो कितना वो चीज़ आपकी जो एसेट है वो कितना टियर एंड वियर होगा तो वो तो आपके पास वैसे ही उसका फिगर मौजूद होता ठीक है उसमें आपको ज़्यादा वो चीज़ नहीं करनी पड़ती कैलकुलेशन नहीं इन्वॉल्व होती इसी तरह इंटरेस्ट एक्सपेंस या टैक्स एक्सपेंस हैं ये भी सर्टेन परसेंटेजेज होती हैं वो जो भी आपकी प्रोजेक्टेड इनकम बिफोर टैक्स आती है आप उस पर वो रेट अप्लाई करके वो निकाल लेते हैं एंड दिस इज़ हाउ यू प्रिपेयर योर परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट अब यहाँ ये बात याद रखिएगा और यकीनन ये सवाल भी आपके जहन में आ रहा होगा कि ये तो एक ऐसा केस है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक कंपनी के हिस्टोरिकल फिगर्स मौजूद हैं तो आपके ये जहन में यकीनन ये सवाल होगा कि अगर एक बिजनेस ही नया स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एसेंस है हमारे इस कोर्स की तो उस केस में हम ये जो है बेस फिगर्स कहाँ से लेंगे तो उस केस में लर्नर्स एक तो ऑप्शन ये है कि आप अपने किसी कंपेटिटर कंपनी की इनकम स्टेटमेंट लें उसकी फिगर्स को यूज कर लें या आप इंडस्ट्री की एवरेज फिगर्स ले लें ठीक है तो उनको आप लेके बेस बना के फिर आप आगे अपने प्रोजेक्टेड जो है वो फिगर्स कैलकुलेट कर सकते सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट अब आप देखें ये आपका एक्चुअल फिगर्स का कॉलम है और ये जो ग्रीन शेडेड हैं ये आपके प्रोजेक्टेड फिगर्स हैं अब अगर हम आगे चलें तो प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट है इस पर भी वही हमारी आइटम्स हैं जो हमने जिन पर डिटेल्ड गुफ्तू की थी हिस्टोरिकल स्टेटमेंट्स में उसी तरह आपने प्रोजेक्ट करना है इंक्रीज है या डिक्रीज है ठीक है और उसी तरह आपने अपने एसेट्स को अपने लाइबिलिटीज़ को एक्टिटी को प्रोजेक्ट करके आपने अपने जो है प्रोफार्मा बैलेंस शीट्स को बनाना है तो इस तरह आप अगर कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि इनको बनाना इनको डेवलप कैसे करना है तो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लें तो फिर ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है सिर्फ जो इनमें की फिगर्स हैं जैसा कि इनकम स्टेटमेंट में सेल्स का एक फिगर था उसको प्रोजेक्ट करने के लिए थोड़ी सी आपको वर्किंग रिक्वायर होगी सर्टेन फैक्टर्स को देखना होगा और इस तरह आप Pro forma income statement and then moving on pro forma balance sheets. And in the same way, you would be able to prepare the pro forma statement of cash flows.